पाँच साल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोर पर स्थित सहारनपुर में एक बड़ा आंदोलन हुआ दलित और राजपूतों के बीच, और उस आंदोलन में से दलितों का एक बड़ा नेता पैदा हुआ जिसका नाम है चंद्रशेखर। भीम आर्मी के ये संस्थापक रहे, उसके संचालक रहे और अब पॉलिटिकल पार्टी बनाई है आज़ाद समाज पार्टी। मैं आज छुटमलपुर में हूँ और ये चंद्रशेखर का होम टाउन है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में बिना किसी पार्टी से गठजोड़ किए अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ छुटमलपुर का जो इलाका है, ये विधानसभा जहाँ पड़ती है, वहाँ कोई कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी से नहीं है। मैं आज यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस छोर पर चुनावी हवा क्या है। ये बताओ कि चंद्रशेखर जी हैं आपके यहाँ के जी, तो गठजोड़ तो किसी से नहीं किया, अपने प्रत्याशी भी उतारे हैं, ये उनका घर है, यहाँ से क्यों नहीं उतारे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है उसमें काफ़ी छोटे दल को हम साथ लेके चल रहे हैं, और ये जो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा है उत्तर प्रदेश में बदलाव करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हैं उससे छुटकारा दिलाएगा। ये तो हम जान रहे हैं कि कोई भी पार्टी हो वो सब भारतीय जनता पार्टी ही उसके निशाने पे है, लेकिन ये बताइए कि चंद्रशेखर का होम टाउन है, यहाँ से चंद्रशेखर एक बड़े नेता के रूप में उभरे और इस इलाके के लोगों की बड़ी हमदर्दी है उनके साथ, तो ये इलेक्शन में क्यों नहीं उनकी भूमिका यहाँ पे? देखिए, जितने लोग हैं यहाँ पर, फिलहाल हम फतेहपुर भादो में हैं, तो जितने लोग यहाँ पर हैं सब, ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर के साथ नहीं है, सब लोग चंद्रशेखर के साथ हैं, और कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी रही होगी, कुछ ना कुछ उनका प्लान होगा कि भाजपा को रोकने के लिए हम किसको समर्थन करेंगे किसको नहीं करेंगे। ये स्ट्रेटजी इस बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बाद में बताएंगे। हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं भाजपा को रोकने के लिए, सब कार्यकर्ता जो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं सब लोग भाजपा को रोकने के लिए। कार्यकर्ता किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? अभी इस बारे में जो हाईकमान निर्देश देगा उसी पे आगे चला जाएगा। मेहनत जो आप कर रहे हैं अभी तक, मेहनत जो है बंद कमरे में है क्या? नहीं नहीं, बंद कमरे में नहीं है। देखिए, ऐसा है कि चंद्रशेखर आजाद जी की कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी रही होगी यहाँ प्रत्याशी ना उतारने की, और उस स्ट्रेटजी के मद्देनजर यहाँ पे भाजपा को हराने का जो काम करेगा उसको ही हम लोग जो है प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है यूपी में किसकी सरकार बनेगी? यूपी में इस बार हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये तो कांग्रेस भी कह रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमें जिसको भी समर्थन करना पड़ेगा वो चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। ऐसा है ना, आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। समझदार की बात मत करो, सुनो मेरी बात सुनो आप, अगर इतने ही समझदार हैं, पार्टी को देंगे, इतने ही अगर समझदार हैं कि दंगे जहां हुए उसी के आधार पर फिर वोट देते चले गए। बीजेपी को है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बीजेपी को वोट देंगे फिर तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ना दंगे हो रहे हैं ना फसाद हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया। किसे वोट देंगे? तो बीजेपी को वोट देंगे। और ये चंद्रशेखर और बाकी गठबंधन के लोग, देखो इसके बारे में तो देखो सबकी अब अपनी अलग अलग भूमिका है। सब क्या रहेगी यहाँ सहारनपुर में? तो सहारनपुर में तो बीजेपी का ही जोर है जी। क्या है हवा? बीजेपी की लहर है जी, योगी को वोट देंगे, सारे जितने भी काम करे ठीक करे, सड़कें बनवा दी लोगों को, मतलब जो हर महीने राशन मिल रहा है, हर मरीज सब लोगों को मतलब मकान मिल रहे हैं। गुप्ता जी के मोहल्ले के हैं क्या? नहीं, मोहल्ले का कोई मतलब नहीं है, योगी को वोट देंगे, योगी जितने का योगी हवा का दोबारे। अमित शाह आए थे यहाँ देवबंद में और ये कह के गए हैं कि अगर दंगों को भूल गए तो गुंडों की पार्टी लखनऊ में सरकार बना लेगी, तो दंगे याद रखे हैं? दंगे याद है, गुंडों की पार्टी थी वहाँ कैराना में, जो है कग्गा जो है पुलिस वालों को चौके रात को खाली करवा देता, रात पुलिस वालों को मार रहा था ज्यादातर, अब कितना खोपता है इधर कल शेर में भी जो है कग्गे का ही खोपता, यहाँ भी पुलिस वाले मार दिए, राइफल छीन कर लेता गया था। क्या है माहौल चुनाव का? भाजपा का है। इमरान मसूद जो बार बार पार्टी बदली, ये तो दल बदलू है और बताओ, संवेदना नहीं है लोगों की, हमदर्दी नहीं उनकी? भाजपा का है, मार दो, भाजपा ही सब चीज भाजपा की है। सब चीज से मतलब? भाई अनाज मिल रहा है, सब खाना पीना मिल रहा है, और क्या है, फ्री मिल रहा है मस्त, और क्या है। गुंडों की सरकार में उनके घर के दलाल इतने थे, वो पैसे भरने थे, जिसे नौकरी मिलनी थी उसे मिलनी थी, जिसे मिलनी चाहिए थी उसे मिली, पैसे दे देगा, यहाँ ईमानदारी से काम हो रहा,
पाँच साल पूरा ईमानदारी से काम चला। चाचा बता रहे हैं कि नौकरी तो बालकों को अभी भी नहीं, वो जो गुंडों की पार्टी थी ना वो पैसा लिया करे थी, हर अनपढ़ को नौकरी दे देती सरकारी, अब वो काम चलता नहीं, अब तो पढ़ा लिखा नौकरी करेगा। ये जो गढ़ है ये बताया जाता है चंद्रशेखर का गढ़ है, तो क्या है स्थिति आपकी बात यहाँ की? स्थिति तो चंद्रशेखर को वोट देंगे लोग बात, अरे जो है उसे भी देंगे साइकिल। चंद्रशेखर को वोट तो दोगे लेकिन उनका तो प्रत्याशी यहाँ से नहीं है? नहीं है तो नहीं आता, अगर वो है तो पार्टी तो है इसके यहाँ, तो नामांकन तो हो गया खत्म, उसके बाद से साइकिल वालों को देंगे वोट यहाँ, साइकिल वालों को देंगे। हाँ आप तो देंगे। ये बताइए इमरान मसूद के उधर सपा में जाने से क्या प्रभाव पड़ा? उससे तो बहुत पड़ा फर्क, वो अगर यहाँ इसमें इकट्ठा हो गया ना तो वोट ही इकट्ठा हो गया उसके लिए, वोट ही साइकिल पर आ गया फिर, अगर वो यहाँ तो पार्टी के खिलाफ होता फिर। लेकिन केवल मुसलमानों का ना? नहीं हिंदुओं का भी है, उसके बहुत ठाकुर लोग हैं, उसके ठाकुर लोग बहुत हैं यहाँ, उसे मारे ज्यादा उसके वैसे जाने वाले। आप बताओ साइकिल को देंगे जो मुसलमानों, इसलिए कह रहे हो साइकिल को वोट देंगे? नहीं महंगाई की वजह से देगी, मुसलमान हिंदू का क्या मतलब इसमें? यही बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो केवल मुस्लिमों के वोट के आधार पर उत्तर प्रदेश में लड़ रही है। अजी नहीं, हिंदू भी वोट बहुत दे रहा, हिंदू मुसलमान सब वोट दे रहे। बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है आपको लगता है कुछ बदल लेगी? अजी बदलाव आई है तो हिंदू मुसलमान कब तक चलेगा, चल जाए जितना चलना था। अब लोग बात समझ गए, महंगाई देखो ना कहाँ है, महंगाई के हिसाब से आदमी परेशान है। सहारनपुर की हवा किधर? सहारनपुर के तो संजय गढ़ जीतेगा जी समाजवादी से, क्योंकि मैं भी सहारनपुर के रहने वाला हूँ, संजय 100%। चंद्रशेखर का कुछ रंग है इधर? चंद्रशेखर तो है हमारी सीट से, तो उन्होंने कोई कैंडिडेट उतारा नहीं, सहारनपुर से उतार रखा है वो, जैसे भी देखो वो तो कोई। अच्छा, चंद्रशेखर को अगर वोट कुछ मिलता है तो वो दलितों का ही तो मिलेगा, तो क्या माना जाए कि मायावती का नुकसान होगा? जी नहीं, मायावती तो कोई नुकसान नहीं है भाई, सब जो उसका अपना वोट है वो तो उसका है ही, मायावती का क्या वोट कोई नुकसान नहीं, इसका अपना वोट है, इसके साथ वो नौजवान साथी लगे हुए हैं चंद्रशेखर भाई के, क्योंकि हमारे यहाँ करीबी है फिर। अच्छा मेरी एक बात बताओ, मैं महावीर जी ये बताओ कि ये जो अभी अमित शाह आए थे वो कह गए कि जो दंगा है उसको याद रखो, ऐसी चीज जो हमेशा दुख देती है उसको क्यों याद रखे, क्यों मुस्लिम याद रखे, क्यों हिंदू याद रखे? सही कह रहे हैं, ये तो नफरत की राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए। नफरत की तो राजनीति हो रही भाई, अगर नफरत की राजनीति ना होती तो मुसलमान भी, हम तो बीजेपी के साथ जुड़ने को तैयार हैं। तो ऐसी पार्टी जो नफरत की राजनीति करती है, ये तो हर पार्टी में है, हर पार्टी वाले कर रहे हैं। अखिलेश भैया सबको साथ लेके चलते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सबका साथ कराए, सबका विकास कराए, वो ऐसा नहीं है कि एक हिंदू को साथ देते हैं मुसलमान को सबका साथ देते हैं। और अखिलेश की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी, सिलेंडर देखो आप कितना का हो गया है, आज 1000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, उस टाइम पे 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, पेट्रोल के रेट देख लो आप। ये मुद्दे तो अखिलेश यादव कह रहे हैं रोज, लेकिन और उनकी बात कौन सुन रहा है? और बिजली के उन्होंने 300 यूनिट फ्री कह दिए, वो करके दिखाते जो कहते हैं, वो मोदी जी की तरह नहीं जो कह दिया करा नहीं। बताओ एक बात बताओ कौन सा पूरा करा? मोदी ने क्या नहीं किया यार, 370 के लिए बोला था, अरे 15 लाख ही तो नहीं आए, बाकी तो किया, राम मंदिर के लिए बोला था वो भी बनवा दिया भाई, मुद्दे पूरे करे उन्होंने, रोजगार के बारे में कुछ सोचा कि युवा मतलब जो है युवा लड़के आ रिक्शा चला रहे बैटरी वाला, जवान जवान लड़के उनके रोजगार के बारे में कुछ नहीं करा इन्होंने। हम देखो हम रेडी घसीट रहे, हमारा अच्छा खासा कारोबार था, हम रेडी घसीट रहे, ये किसकी देन है? ये बीजेपी की देन है और किसकी देन है? आप बताओ कुछ। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ने 1 महीने में 2 बार फ्री अनाज देकर जो गांव के निवासी लोग थे मजदूरी करते थे उन्हें निकम्मे बना दिए। बिल्कुल कारोबार, मैं अपने खेत में गेहूं बोता था, धान लगाता था, अब की बार मुझे मजदूर ना मिले फसल काटने के लिए, इसलिए मैंने अब की बार ऐसी फसल बोई है जिससे कि मैं अपना खुद काट सकूं, सरसों बोई है, गेहूं काटने के लिए मजदूर नहीं मिलते। वैकेंसी इलाहाबाद में बजाया छात्रों पे निकालती है, मान लो जो आदमी जो पढ़ रहे जो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट जिसे देश का भविष्य माना जावे उसी के ऊपर अगर लट बजाने लगे तो फिर देश को चलाओगे कौन आगे? ये तो बुढ़े ठहरे आदमी आज है कल को अपना निमट लेंगे, कई सरकार इनकी हमेशा रहेगी, अब थोड़ा ही बन रही सरकार। इस चुनाव में ये जो बेरोजगारी है कहीं मुद्दा है? हाँ जी चुनाव में हर मुद्दा है सामने, लेकिन हर आदमी ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है, कोई किसी को बताकर राजी नहीं है, लेकिन सबके दिल में इधर इस यूपी के अंदर अखिलेश यादव है और कोई नहीं है यहाँ सार, ये जो मुजफ्फराबाद सीट है यहाँ है उमर अली खान, इस तरह कोई नहीं है, सभी से ही वोट देंगे, रियो ही जीतेगा। ये इलाका चंद्रशेखर का है और मुस्लिम तबका बड़े पैमाने पर उनके फेवर में है,
चंद्रशेखर भी यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को फेवर कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारा है। नतीजा 10 मार्च को आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।